फ्रेंड्स दो रूम के हिसाब से हम यहाँ पे पीवीसी डक्ट बना रहे हैं। ये रहा पाइप, ये रूम और इसके पास वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला को कवर करेगा ये पीवीसी डक्ट। और मैंने यहाँ पे एक होल फोड़ लिया है 6 इंच का 6.5 इंच का होल फोड़ा है मैंने। सिंपल ये बैंड रखे हैं अपना, मार्किंग करा और मार्किंग करने के बाद में इस ड्रिल मशीन से साइड से एक एक होल फोड़ फोड़ के मैंने इसमें होल कर लिया है। होल करने के बाद में अब मैं यहाँ पर ये जो बड़ा पाइप है उसको लगाऊंगा बैंड के ज़रिए, और ये वाली बाउंड्री वॉल के ज़रिए चलेगा ऊपर तक के और वहाँ तक जाएगा, और वहाँ से पीछे वाले जो होल दिख रहा है आपको सामने वाला वैसी तरीके से जैसे ये होल किया है वैसी उसको भी होल किया है मैंने, और उसमें से टॉयलेट का भी खींचेगा ये एग्जॉस्ट करेगा और रूम का भी करेगा। तो आप बने रहिए, आपको मैं देता रहूँगा अपडेट इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये छत के ऊपर कर रहे हैं अपन, मतलब ग्राउंड फ्लोर है ये, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कर रहे हैं और अपन अभी मचान के ऊपर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पाइप लगेगा यहाँ पे। बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, बाहर बारिश हो रही है तो अभी हम थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद में पाइप को बाहर से अंदर डालेंगे, क्योंकि अंदर से 10 फीट का पाइप है, 10 फीट का रूम है, अंदर से आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन इसको बाहर से डालेंगे। यहाँ पर एक छज्जा बना हुआ है, उसकी रेख है, इस वजह से अड़ेगा। ओके गाइस, देख सकते हैं आप इसमें होल किया हुआ है 6 इंच का 6.5 इंच का, और अपन 6 इंच का पाइप इसके अंदर चलाएंगे। ये यहाँ पर इसका एक हाफ साइड है, हाफ साइड लगा के बताऊँगा आपको हम फैन वगैरह सारी चीज़ों के बारे में। ये आगे की तरफ से हमने इसमें पाइप डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं पाइप इसमें लग गया है यहाँ तक के। अब इसके हिसाब से अपनों को इसमें कटिंग करनी होगी, इसमें बैंड देने होंगे, रिड्यूसर देने होंगे, सामने वाले होल में अपनों को ले जाना है और इस वाले होल से अपनों को निकालना है। ये देखिए अपन ने इसकी बैंड फिटिंग और छोटी मोटी चीज़ें काट ली है। अब आप देख सकते हो उसमें कितने बैंड, रिड्यूसर्स और इसमें कितनी टी लग रही है, ये आप देख सकते हो इसके अंदर। ये 14 इंच का लिया है, इसमें सपोर्ट लगेगा, आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, मैं जहाँ पे लगाऊंगा आपको दिख जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हाँ ये अपन ने लगा दिया है, इसके अंदर पाइप लग गए हैं। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग गया होगा मेरी जो प्लानिंग है आने वाले करने वाला हूँ जो मैं। इसके अंदर से ये टॉयलेट का है और ये जो है ये मेरे रूम का है। ये यहाँ से इसमें से होल होके निकलेगा बाहर और ये पूरा एग्जॉस्ट जाएगा पीछे की तरफ बाहर की तरफ। बाकी वहाँ पे हम हार्ड साइड देंगे क्योंकि छत का कॉलम आ रहा है उसमें हम होल नहीं कर सकते। आपको मैं अब अंदर टॉयलेट का व्यू बता देता हूँ। ये टॉयलेट का व्यू है, यहाँ पे भी हमने ड्रिल मशीन से होल कर करके होल किया था, कोर कटर को नहीं बुलाया था, कोर कटर वाला आता तो 1000 रुपये पर कोर के हिसाब से 6 इंची के ले लेता। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे अपना, आप देख सकते हैं इतना कंप्लीट हो गया है। अभी इसकी प्रोफाइल अपन ने साइड वाली खोली है, उसमें भी मैंने एक होल किया है। होल खोलने के बाद में अपन उसके अंदर घसेंगे। अभी यहाँ पे मैंने जो हाफ साइड लाया था, हाफ साइड लग नहीं रहा है इस पोजीशन पे, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है इस तरीके से। ये सा टेढ़ा इसलिए करा है अपन ने क्योंकि यहाँ पे अपन सामान वगैरह रखते हैं मचान का, तो सामान ये पीछे हो जाए, अगर सीधा करते तो यहाँ पे सामान नहीं आता, इसलिए अपन ने इसको टेढ़ा करा है। और वहाँ पे एडजस्ट अपन को एक बैंड बनाना है, तो वही बैंड हम बना रहे हैं बाहर। इस तरीके से हाफ साइड बना है, आप देख सकते हैं। और रेलवे में जो होता है जोर से छोड़ दिया उसको, हाथी पकड़ने लग गया, छोड़ दे।
सामान गिरा कर रहा था। एक 20 डिग्री एंगल का हमने एक हाफ साइड बना लिया है 20 डिग्री में। अब इसको हम लगाएंगे। ये देखिए, ये 20 डिग्री के अंदर में ये लगेगा यहाँ पर इस पोजीशन पे ऊपर की तरफ में। इसमें टेप लगा दिया है ताकि हेयर निकले नहीं। आप देख सकते हैं फेविक्विक लगाया, उसके बाद में टेप लगाया है पूरे में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर एक ये दे दिया है एल्बो, हल्का सा 20 mm का हमने काट के, जो इसे हमारे साइज़ के मुताबिक हमें चाहिए था उस तरीके से बना दिया। ये गया टॉयलेट के अंदर और ये रूम के लिए। और अब हम यहाँ लगाएंगे फाइनल स्टेज पे हमारा फ़ैन जो कि मैं 6 इंच डाया का ले रहा हूँ। जैसे कि मेरा पाइप 6 इंच डाया का, ये फ़ैन कॉलर वाला है, कमर्शियल यूज़ होने के लिए आता है। ये बहुत अच्छी स्पीड है इसकी और ये पूरा हमने टेस्ट कर रखा है, इस तरीके से इसमें लग जाएगा, बिल्कुल आसान है। और बाद में मैं यहाँ पे इसके होल कर दूंगा और कनेक्शन कर दूंगा तो मेरी ये डक्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं आपको सिविल वर्क करूँगा, उसके बाद में आपको इसकी टेस्टिंग करके भी बताऊँगा केबल कनेक्शन करने के बाद में। आप बने रहिए मेरी वीडियो पर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। केबलिंग भी का पार्ट भी अपन पूरा करेंगे। केबलिंग का पार्ट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, दो डक्ट चल रही है, दो एक फ़ैन यहाँ चलेगा, एक फ़ैन यहाँ चलेगा, तो किस तरीके से NRV लगानी, NRV का क्या सिस्टम है वही बताऊंगा आपको मैं।